हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि छत्रपति शिवाजी कौन थे, तथा उन्होंने अपने जीवन में ऐसा क्या किया जिससे उन्हें आदर दिया जाता है। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा से ऐसे यूजफुल वीडियोस बनाते रहता हूँ जो आपके बहुत काम आ सकते हैं। सब्सक्राइब करना एकदम मुफ्त है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं लगता। बस आपको वीडियो के नीचे दिए जा रहे रेड आइकन पर क्लिक करना है, उसके बाद आप बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो हम बात कर रहे थे कि छत्रपति शिवाजी कौन थे, उन्होंने अपने जीवन में ऐसा क्या किया जिससे कि उनका नाम इतने सम्मान से तथा वीरतापूर्वक लिया जाता है, तथा उन्हें क्यों हिंदुत्व शासन के रक्षक के नाम में देखा जाता है। छत्रपति शिवाजी का जन्म सन 1630 में हुआ था। उनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था, तथा उनका जन्म शिवनेरी के किले में हुआ था। शिवाजी का अधिकतर पालन पोषण उनकी मां ने किया था, क्योंकि शिवाजी के पिता आदिल शाह सल्तनत के एक मंत्री थे जो काम के सिलसिले में अधिकतर बाहर रहा करते थे, इसलिए शिवाजी की मां को उनका अधिकतर पालन पोषण करना पड़ा था। शिवाजी की मां उन्हें हमेशा रामायण और महाभारत किस्से सुनाती थी, जिससे कि उनके अंदर हिंदुत्व शासन की प्रेरणा मिली और हिंदुत्व शासन हासिल को स्थापित करने के लिए उन्होंने एक कूड़ कदम उठाया। जैसे कि जब वो 17 साल के हुए तो उन्होंने शिवाजी ने बीजापुर पर अपना पहला आक्रमण किया। बीजापुर पर उस समय शासन था आदिल शाह सल्तनत का। उन्होंने हमला किया और तुरन किले पर अपना कब्जा कर लिया, जिसके कारण आदिल शाह सल्तनत में अफरा तफरी मच गई और अगले 2 साल के अंतर्गत उन्होंने राजगढ़ और कोरबा किले पर भी कब्जा कर लिया। सन 30 नवंबर 1659 को अफजल खान शिवाजी के साथ संधि के लिए मान गया और उसने गोपीनाथ को भेजा। फिर उसके बाद जब उनकी संधि हुई तो 7 फुट लंबा चौड़ा विशाल अफजल खान ने शिवाजी पर एक गले लगाकर उसे दबोचना चाहा, मगर शिवाजी ने बहुत बार करके अफजल खान की हत्या कर दी। उसके बाद अफजल खान को युद्ध का जवाब पत्थर से मिला, फिर अफजल खान के सैनिकों को भी शिवाजी ने मार दिया। उसके बाद दिल्ली के तख्त पर बैठे औरंगजेब का भी बुरा हाल हो गया। औरंगजेब ने फिर बौखला कर अपने मामा शाइस्ता खान को दक्षिण दिशा में भेजा, दक्कन की तरफ। उसके बाद शाइस्ता खान ने पुणे के लाल किले पर कब्जा कर लिया, जहां शिवाजी ने अपना बचपन बिताया था, जिसके बाद शिवाजी ने शाइस्ता खान के ऊपर हमले के लिए एक खास योजना बनाई, जिसे आज के दौर में सर्जिकल स्ट्राइक के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 400 सैनिकों के साथ चोरी छिपे पुणे के किले में प्रवेश किया और शाइस्ता खान पर हमला कर दिया। इसके अंतर्गत उन्हें हमला करके शाइस्ता खान को मारकर सही सलामत वापस आना था, लेकिन वो शाइस्ता खान को मार तो नहीं पाए, मगर उसकी 4 उंगलियां काटने में कामयाब हो गए तथा शाइस्ता खान के बेटों की हत्या तथा उसके सैनिकों की हत्या करने में वो कामयाब हुए। उसके बाद भी शिवाजी को एक औपनिवेशिक राजा का दर्जा नहीं दिया था, इसलिए उन्होंने अपने एक राज्य अभिषेक का औपचारिक अभिघोषणा कर दिया, तथा इस औपचारिक राज्य अभिषेक के बाद उन्हें छत्रपति शिवाजी का नाम मिला। उनके राज अभिषेक के 12वें दिन उनकी माता जीजाबाई की भी मृत्यु हो गई थी। जीजाबाई जिन्होंने उनके छत्रपति शिवाजी के हर कदम में कदम मिलाया था, जो उनके हिंदू शासन की प्रेरणा थी। फिर 3 अप्रैल 1680 में उनका भी देहांत हो गया और वह सूरवीर इस दुनिया से परलोक सुधार गए, जिन्हें आज भी वीरों के बातों में याद रखा जाता है। वो एक ऐसे वीर थे
जिन्होंने हिंदू प्रशासन की रक्षा के लिए अपने जानों की परवाह नहीं की और अपने जानों को भी निछावर कर दिया। तथा महाराष्ट्र में उनके वीरता के चर्चे अभी भी हैं, तरह बहुत बड़ा चला के दिखाए जाते हैं।